नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं NVS टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितने रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। ये है इसका नोटिफिकेशन, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल। तो यहाँ टीचर के लिए वैकेंसी निकाला गया है PGT और TGT की। ये फॉर्म जो है आपका 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल तक रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके जरूर अप्लाई कीजिए। टेंटेटिव डेट्स फॉर फिजिकल इंटरव्यू का जो डेट है वो 16 मई को रखा गया है। TGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी TGT के लिए MP CG, उड़ीसा के लिए VM, तो MP के लिए 10, CG के लिए 11, उड़ीसा के लिए 9, इंग्लिश के लिए 15, MP के लिए, तो वो आप एक एक करके यहाँ से देख सकते हैं। और इधर PGT के लिए निकाला गया है MP, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 500 रखा गया है। और पेमेंट जो है इसके लिए मंथली बताया गया है। PGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 35,750 रुपया, और TGT के लिए जो है 34,125 रुपया। अपर एज लिमिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टीचर लोगों के लिए 50 साल रखा गया है। 50 साल वाले लोग भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 50 साल तक। NVS टीचर है उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो है PGT टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड आपको पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट कम से कम, और मास्टर डिग्री आपको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो MSc कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए, या फिर MSc IT कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर MCA किया हुआ होना चाहिए, या फिर MEMTech किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT से, BA डिग्री किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके जरूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।